हेलो एंड वेलकम टू देसी मोटाड। मैं हूं नवनीत और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं जो शायद आपको नहीं पता है और आप इग्नोर करके बैठे हो कि आपकी गाड़ी को ये प्रॉब्लम हो चुकी है या हो सकती है। तो इसी के लिए आज का ये वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले एक ख़ास बात, वो ये कि आपके जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे मेरे वीडियो पे, वो नेक्स्ट वीडियो के एंड में दिखाऊंगा मैं। जैसे इस वीडियो के एंड में मैं दिखा रहा हूँ, वैसे ही अगले वीडियो में इस वीडियो के कमेंट्स आएंगे। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करते जाना, ठीक है? और घंटा का बटन साथ में टन बजा देना। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी कार है, रिमोट से अनलॉक हो गई, ठीक है? अभी लॉक हो गई, ठीक है, सब काम कर रहा है। किसी दिन अगर ये बैटरी ख़त्म हो जाती है, ये तो काम नहीं करेगा, फिर हम क्या करेंगे? चाबी लगाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे। तो अब चाबी से ना ये इधर घूम रहा है ना उधर घूम रहा है, क्योंकि मैं चाबी यूज़ नहीं करता था। तो ये की सिलेंडर जो है जाम हो चुका है। तो अब ये दरवाज़ा इस चाबी से बिल्कुल नहीं खुल रहा है। मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, नहीं तो चाबी टूट जाएगी या अंदर ही अंदर घूम जाएगी। इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपका अगर कभी भी रिमोट का सेल ख़त्म हो गया और या किसी भी वजह से आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गया और आप गाड़ी के अंदर फंसे हो, या फिर आप गाड़ी के अंदर नहीं भी हो और आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है किसी भी वजह से, तो आप मैनुअली डोर को अनलॉक नहीं कर पाओगे अगर ये आपका जाम हो गया तो। और ये जाम हो जाता है अगर यूज़ नहीं किया जाए, क्योंकि जब गाड़ी वॉश होती है तो कैल्शियम वगैरह ये सब जमते हैं, तो इस वजह से धीरे धीरे जाम हो जाता है। अगर इसको कभी कभी यूज़ करते रहें तो ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मेरे पास ये प्रोडक्ट है। तो ये है WD-40। तो आज हम इसका यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये खुल जाए, क्योंकि वैसे तो मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है और आई एम नॉट श्योर कि ये खुलेगा कि नहीं, क्योंकि काफ़ी 1-2 साल से तो एटलीस्ट मैंने इसको चाबी से नहीं खोला है। तो मुझे नहीं पता है कितना इफ़ेक्टिव होगा, बट हाँ, अगर मैं इसे रेगुलरली इसको यूज़ करता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो लेसन लर्न्ड, आई थिंक अ हार्डर वे। चलो कोई नहीं, ये है नोज़ल, ये रहा ढक्कन। कैमरा मैन थोड़ा आ जाओ। इसके साथ मिलता है एक छोटू सा ये पतला सा पाइप, पता नहीं कितना इफ़ेक्टिव है, और इसमें बहुत मुश्किल से इसको अटकाना होता है। हाँ, ये लग गया, कॉकरोच स्प्रे नहीं है, दिस इज़ वाटर रिपेलेंट। तो अब हमको ये करना है कि हमको इस की होल में अच्छे से WD-40 का स्प्रे करना है। तो ठीक है जी, इसके अंदर गया, ठीक है, और हम थोड़ा सा चाबी में भी लगाएंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा और घुसेड़ दूँ। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं, थोड़ा सा घूमा, वाह, बट खुलेगा कि नहीं पता नहीं। थोड़ा सा और इसके ये जो सिलेंडर है वॉल है उसके थोड़े कॉर्नर्स में भी डालना है ताकि वो हर जगह से फ्री हो जाए। ये मैंने अंदर तक डाल दिया है, खुल जा बे। देखा कुछ आवाज आई, खुल गया है? नहीं खुला, सॉरी, इधर आ, वापस है, थोड़ी मेहनत और, घुस जा अंदर तक बेटा। बेटा आज इज्जत बचा लियो, फोर्ड वाले पूरा लॉक बदलवा के ही मानेंगे, तो मुझे नहीं बदलना। थोड़ा ढीठ हो रहा है, मानेगा? तो ये भी भूल गया हूँ किस तरफ खुलेगा, लेफ्ट या राइट, मान जा। हर जगह से मार तो स्प्रे,
थोड़ी देर इसे 5 मिनट छोड़ देता हूँ, फिर मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं तो गया थक और ये थोड़ा ढीठ हो रखा है, आसानी से मान नहीं रहा। जब तक WD-40 अपना काम करता है तब तक जो ये एक्स्ट्रा पेंट पे बहा इसको साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पेंट के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। शाइनिंग तो देता है पर पेंट धीरे धीरे फेड हो जाता है, इसलिए WD-40 से कभी पॉलिश नहीं करनी चाहिए। टिप ऑफ द डे। खुल गया। ये है लॉक हो गया, तो खुला कब था? सॉरी, दिस इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। मान जा बे, इज्जत रख ले। लॉक कर दे रहा है, अनलॉक नहीं कर रहा है। टूट जाएगा, इससे ज़्यादा ताकत लगाए तो। अभी क्या है, अनलॉक है आई थिंक। ये लॉक हो रहा है, लॉक हो जा रहा है। अबे लॉक तो तू पहले से ही था, एमरजेंसी में लॉक ही रहेगा, अनलॉक नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी किस्मत नहीं होने वाली है। पसीने छुड़ा दिए इसने, लेकिन अभी माना नहीं है। आज मान जाएगा, लगे हैं। करीब 5-7 मिनट हो चुके हैं। गुड, बस बेटा इधर भी तो मान जा। इससे क्या हुआ, लॉक हो गया। इतनी सफलता मिली है कि दरवाज़ा लॉक हो जा रहा है, अनलॉक नहीं हो रहा है। यार ये बड़ा चुतिया हो रहा है ऐसा। ये तो नहीं मान रहा जी, ठीक है। और पनौती ऐसी है, साला लॉक करना ठीक हो गया, अनलॉक करना नहीं ठीक हुआ अभी भी। तो भाई मेरे को तो दरवाज़ा खोलने का है, बंद करने के लिए चाबी नहीं चाहिए। हद है, मतलब किस्मत भी ना फुल मज़े लेती है मेरे साथ। अब देखो, दिखाता हूँ। अभी ये गाड़ी अनलॉक हो गई, मैंने बंद कर दिया। अब ये रिमोट से देखो, दबाया, नहीं खुल रही ना। अब खोल रहा हूँ, खुल रहा है। अब यहाँ पे लगाया, लॉक हो गया। ये लॉक हो गया, ठीक है। और मैं चाहता था कि ये पूरा काम करे, ये आधा काम कर रहा है। अब मैं इसे अनलॉक करूँगा ना। नहीं हो रहा है, अब इसको छोड़ते हैं। अब मेरी फीएट को भी लगभग 3 साल के आसपास हो रहे हैं, आ जाओ उसको भी चेक कर लेते हैं कि उसकी चाबी रामपुरी नहीं है, फीएट है, ठीक है। तो उसकी चाबी खुल रही है कि नहीं चाबी से, आ जाओ दरवाज़ा खोल के देखते हैं। आ जाओ चलते हैं, डैडी की कार है, इसको मैंने कभी चाबी लगा के खोला ही नहीं आज तक। बेटा आज मुहूर्त कर ही देते हैं। किधर होता है? अच्छा जी, ये खुल गया। अबे लॉक नहीं हो रही, एक सेकंड। अच्छा हो गई, ये भी थोड़ा देखा अटक रहा है, फंस रहा है, यही दिक्कत है। खुल गया, अब इससे क्या हुआ, लॉक हुआ कि अनलॉक हुआ? अबे लॉक करना है, कैसे होगा? ठीक है, पर ये फंस रहा है। अब इसको भी यही करते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा सा अंदर। इस साइड नहीं घूम रहा है तो निकल, लॉक हो गया। और ऐसे किया, अनलॉक हो गया। ये जो सिलेंडर का गैप है इसके, इसमें भी करना है। तो ये देखा, प्रॉब्लम इसमें बहुत थोड़ी सी थी, एक बार के स्प्रे से ही ये ठीक हो गई, पर उस कार का अभी तक ठीक नहीं हुआ। यही स्प्रे हमको इधर भी करना चाहिए एक बार, थोड़ा सा बस। एक कार की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दूसरे की अभी भी नहीं हो रही है, आधी सॉल्व हुई। अनलॉक नहीं हो रहा है, लॉक हो रही है।
ये तो पक्का है कि दिखानी पड़ेगी मार्केट में किसी को ठीक करने के लिए। तो अगर आप इस WD-40 का स्प्रे अपने कार के की होल में 3-4 महीने में एक बार भी कर देते हैं और अच्छे से घुमा देते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको कभी अपना डोर लॉक रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ते हैं नेक्स्ट वीक एक और नए वीडियो के साथ। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। तो आज की वीडियो में क्या था आज की वीडियो तो आज की वीडियो में मैं आपके एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाया हूँ जिसे आप इग्नोर करके बैठे हो और आपको बिल्कुल पता भी नहीं कि ये प्रॉब्लम आपको हो चुकी है। मतलब आपको नहीं, वो मैंने ऐसे जो किया था वो इसीलिए था कि जब मैं कट करूँगा तो मैंने ऐसे किया और उसके बाद ये अचानक से ये आ गया। समझ में नहीं आता क्रिएटिविटी। ठीक है जी, हट रहे हम देखना रहे कैमरा ऑफ डिस्प्ले हुआ में अटनी एंगल ढंग से बनाओ। डिस्क्लेमर, कैमरामैन अनाड़ी है, वीडियो के लिए मुझे दोष ना दीजिएगा पड़ेगा। सीटी बज गई है, खाना बन गया है, समझ गए हैं, लेकिन हम वीडियो बना रहे वो नहीं समझ रहा कोई। खैर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और डिस्ट्रैक्शंस आर ऑलवेज सो मच हियर। सीटी भी आ गई, उधर बापू भी आ गए स्कूटर से। अरे जल्दी उतरा जा ना लोगे। मक्खी हटो यार, तुम भी आ गए बीच में मजे लेने के लिए। ये पीछे भारतीय रेल जाओ ना यार प्लीज़। क्यों मेरे टाइम जो है साले पनौती करने आते हैं।